हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर्स एगो, मीन्स 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मीन्स क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी जो उम्र थी वह तुमसे 7 गुनी थी। आगे ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से, अभी से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। और क्या होगा कि अब से 3 साल बाद जो तुम्हारा उम्र है उससे मेरा 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जिब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये जो 2 कंडीशंस है कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र है वह तुमसे 7 गुना थी और अब से 3 साल बाद जो मेरी उम्र है वह तुमसे 3 गुना है, तो इसी को हम क्या करेंगे कि एल्जिब्रिकली ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आफ्ताब और कौन है उसकी बेटी, डॉटर है, तो हम क्या करते हैं कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। इसका जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक। फिर उसी तरह से इसका जो डॉटर है, तो डॉटर का जो प्रेजेंट एज है हम इसको वाई लेट कर लिए, मतलब ये एक्स ईयर्स और ये वाई ईयर्स। अब क्या कह रहा है कि आई वाज 7 टाइम, मतलब 7 ईयर्स एगो। तो अभी जैसे किसी का, सपोज कि अभी मान लिया जाए कि किसी का 10 ईयर्स है एज, तो 7 ईयर्स एगो कितना होगा, तो 7 ईयर्स एगो तो क्या होगा, 10 माइनस 7 हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ईयर्स। अभी किसी का 10 ईयर्स है तो 7 ईयर्स एगो, तो 7 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी अभी का एज है उसका एक्स ईयर्स, मीन्स आफ्ताब का, तो 7 ईयर्स एगो इसका एज कितना हो जाएगा, तो 7 ईयर्स एगो जो एज होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा 7 ईयर्स एगो, ठीक है। तो आफ्ताब का एज कितना, 7 ईयर्स एगो, तो आफ्ताब का हो जाएगा एक्स माइनस 7, ठीक है। और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, तो डॉटर की एज हो जाएगी, ये भी होगा वाई माइनस 7, ठीक है। अब क्या कहता है यहाँ पर कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा हूँ उम्र में। तो क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y और माइनस 49, ठीक है। फिर एक्स माइनस 7y, एक्स माइनस 7y और माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इक्वेशन होगा एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू, हम इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 4, मीन्स क्या, माइनस 42। एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखिए क्या कहता है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जैसे कि यहाँ पर 7 ईयर्स एगो था, तो क्या किए यहाँ पर एक्स माइनस 7 कर दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मैंने अब से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब बाद में, तो अभी तो प्रेजेंट एज तो दोनों का, एक का एक्स है, मीन्स आफ्ताब का एक्स और उसकी डॉटर की एज है वाई, तो
यहाँ पर लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो एक्स है आफ्ताब का कितना हो जाएगा, आफ्ताब का जो एज होगा तो वो एक्स प्लस 3 और उसकी डॉटर की एज, डॉटर्स का जो एज होगा ये कितना, वाई प्लस 3। और क्या कह रहा है यहाँ पर कि अब से 3 साल बाद जितना तुम्हारा उम्र है उससे मेरा उम्र तिगुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 × y + 3। तो यहाँ पर समझना है कि आफ्टर 3 years, तो 3 years आफ्टर तो डॉटर का एज है, ये डॉटर की एज है y प्लस 3 और आफ्ताब का है कितना x प्लस 3। तो 3 times है, किसका 3 times, तो उसकी जो डॉटर है उसके एज से 3 times। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y + 9। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, है ना, ये 9 सॉरी ये 3y लेफ्ट साइड इधर इसको लाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है, माइनस 3y और माइनस इधर होगा 3 आके तो 6। इसको हम इक्वेशन सेकंड यहाँ पर लेट किए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम है। एक इक्वेशन तो आया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा इक्वेशन आया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन का बारी बारी से एक्स वाई जो दोनों में है ना, यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और यहाँ भी है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे, y का अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे इस बॉक्स में और तब जा करके प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन था कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो क्या किए कि माइनस 7y को राइट हैंड साइड में ले गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस 7y इधर आके क्या हो गया तो प्लस 7y। हमको क्या करना है कि इस y में, है ना, इस y के प्लेस पर हमको यहाँ पर वैल्यू डालना है कि सपोज कि यहाँ पर हम 5 डाल देते हैं, y इज इक्वल टू 5 तो कितना होगा 7 × 5 तो 35 और माइनस 42। तो सबसे पहले कि y का हम 5 लिए तो y के बॉक्स में यहाँ पर हम 5 लिख दिए, ठीक है। अब ये 35 अब माइनस 42 तो माइनस 7 तो इसका जो होगा कितना होगा ये माइनस 7। फिर क्या करेंगे अब कि y का हम 6 डालते हैं यहाँ पे, तो 7 × 6 जा कितना 42, तो y का हम 6 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 7 × 6 = 42 अब 42 माइनस 42 तो कितना 0, तो ये यहाँ पर हो गया 0। अब क्या करेंगे कि इस y के प्लेस पर हम 7 डालते हैं, तो 7 × 7 = 49 अब 49 − 42 तो कितना 7, तो ये हो गया इसका 7 और यहाँ भी 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6 + 3y, है ना, तो ये माइनस 3y को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। हमको यहाँ पर क्या करना है कि y का वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो y का 0 लिए तो इस पूरे टर्म को क्या हो गया कर दिया ये 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना तो 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम माइनस 2 लेते हैं, y का ये माइनस 2 लिए तो 3 × -2 कितना तो माइनस 6, तो y का माइनस 2 लेने से तो x जो हो गया तो x क्या हो गया वो हो गया 0, ठीक है। अब y का वैल्यू हम यहाँ पर माइनस 3 लेते हैं, तो माइनस 3 लेंगे तो क्या होगा 6 अब प्लस आइए माइनस 9 तो माइनस 3, है ना, तो y का वैल्यू हम यहाँ पर माइनस 3 लिए तो x का भी जो वैल्यू आया वो क्या आया माइनस 3। तो अब इस ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ पर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 का जो कोऑर्डिनेट निकाले कि x है कितना माइनस 7 और y 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 7 और y इज इक्वल टू है 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 और y इज इक्वल टू 5 तो माइनस 7 यहाँ है और y 5 यहाँ पर, तो ये
हम यहाँ पर इसके पॉइंट को लोकेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन और वाई इज इक्वल टू फाइव। फिर है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो एक्स जीरो कहाँ पर होगा यहाँ पर और वाई इज इक्वल टू सिक्स ये, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जीरो और ये सिक्स। लास्ट है कि एक्स इज इक्वल टू सेवन और वाई इज इक्वल टू सेवन, तो एक्स इज इक्वल टू सेवन यहाँ पर है सेवन, ठीक है ये सेवन है और वाई इज इक्वल टू सेवन, तो वाई सेवन मीन्स ये सिक्स है, ठीक है। तो इसी से थोड़ा सा ऊपर सपोज कि ये यहाँ पर इसका वाई सेवन होगा ये यहाँ पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू सेवन और y इज इक्वल टू सेवन हम यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं x इज इक्वल टू सेवन और y इज इक्वल टू सेवन। अब क्या करना है कि इसका ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से ये ग्राफ होगा, मीन्स अगर हम इस पर ड्रॉ करें जैसे ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से इसका ग्राफ होगा। तो अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू सिक्स और y इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू सिक्स कहाँ है यहाँ ये x एक्सिस, x इज इक्वल टू सिक्स और y इज इक्वल टू जीरो, तो ये यहीं पर हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसका सिक्स और जीरो। फिर है x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस टू, तो x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस टू कहाँ पर होगा ये यहाँ पर होगा ये, है ना, x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस टू। फिर है x इज इक्वल टू माइनस थ्री और y इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ और y इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। अब क्या करेंगे कि इसका ग्राफ को हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ का नेचर क्या होता है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो हुआ यही हुआ इसका ग्राफ, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इसका ग्राफ का नेचर एक स्ट्रेट लाइन हुआ, इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन में जो हमको कह रहा था कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से इसका हो गया। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।